Welcome to the Cinepod. Cinepod. सिर्फ एक मांग जो सरकार मान नहीं रही और कर्मचारी हर कीमत पर हर सूरत में उसे मनवाने को उतारू हैं। दोनों ओर से तनातनी के इस दौर में हालात ऐसे हो गए हैं कि आज हरियाणा की तस्वीरें ही बदल गई हैं। बस स्टैंड जाओ, हड़ताल मिलेगी। बिजली दफ्तर जाओ, काम नहीं होगा। निगम ऑफिस जाओ, ताले लटके मिलेंगे। यानी जनता का कोई भी काम फिलहाल नहीं हो रहा। रोडवेज के अलावा हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथ 22 विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी कर्मचारियों की वही एक ही मांग है जो सरकार मान नहीं रही है। पिछले 6 दिनों से रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल जारी है, साथ ही सरकार और कर्मचारियों के बीच तनातनी भी। दोनों ओर से अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, जिसके चलते हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है। हरियाणा के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो जनता को न ही रोडवेज की बसें मिल रही है, न ही बिजली और न ही पानी। जी हाँ, रोडवेज की हड़ताल से जहां परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, वहीं बीते दिन रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में हरियाणा कर्मचारी महासंघ भी उतर आया और महासंघ के आह्वान पर अब 22 विभागों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। कर्मचारियों ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि रोडवेज यूनियन की मांगे मान लो, नहीं तो हरियाणा के होने वाले बदतर हालत के जिम्मेदार खुद सरकार हो। सरकार और कर्मचारियों की इस लड़ाई में हरियाणा की बेकसूर बेबस जनता पिस रही है। हालांकि जहां रोडवेज कर्मचारियों से मिलकर कर्मचारी महासंघ ने सरकार को करारा झटका दिया, वहीं हरियाणा में लगभग 500 नए ड्राइवर और कंडक्टर की अस्थायी रूप से भर्ती करके सरकार ने कर्मचारियों को भी करारा जवाब दिया है। अंबाला रोडवेज के GM का दावा है कि पहले के मुकाबले आज रोडवेज की 48 बसें चलनी शुरू हो गई हैं और इसी के साथ निजी बसों का संचालन भी सुचारू रूप से पुलिस और नए भर्ती ड्राइवर कर रहे हैं। रोडवेज के इस हड़ताल में कहीं लोगों को राहत मिल रही है तो कहीं परेशानी ही परेशानी। अंबाला की बात करें तो यहां के यात्रियों ने राहत की बात कही, लेकिन गोहाना में तो स्कूली बच्चे निजी बसों की छतों पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि सरकार और कर्मचारियों के इस जंग में उन्हें बेवजह पीसा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन सरकार ने कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए न्योता दिया था। कर्मचारी नेता चंडीगढ़ स्थित परिवहन कार्यालय में आए भी और बातचीत भी हुई, मगर बैठक में कोई हल नहीं निकल सका। सरकारी अधिकारी अपनी जिद पर अड़े रहे और कर्मचारी नेता अपनी। फिलहाल आज रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल 3 दिन और बढ़ा दी गई है और कहा जा रहा है कि कल से निजी बसों का भी चक्का जाम कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है? क्या सरकार 720 प्राइवेट बसों को परमिट देने की पॉलिसी रद्द करती है या फिर अपनी जिद पर अड़ी रहती है? ये देखना दिलचस्प।